हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। दोस्तों, तो आज की रेसिपी पास्ता रेड्स और पास्ता की रेसिपी है दोस्तों। तो वो मेरी रेसिपी नहीं है, वो मेरी बेटी की रेसिपी है। तो चलिए, किस तरह से वो बनाती है और किस स्टाइल में बनाती है देखते हैं। वैसे तो सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है, बट मेरे यहाँ पास्ता जब भी बनता है तो उसी के हाथों का बनता है और वो बहुत ही टेस्टी पास्ता बनाती है और घर वाले भी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं उसकी। चलिए, किस स्टाइल में किस तरह से बनाते हैं हम भी आज उसका पास्ता देखते हैं आप, और आप लोग को भी दिखाते हैं उसकी रेसिपी। और प्लीज़ 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 दोस्तों, अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा आपको ये रेसिपी। तो चलिए, आगे का प्रोसेस मैं दिखाती हूँ। जी लगा देंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पानी गैस ऑन हो चुका है और पानी भी डल चुका है। तो इसमें क्या क्या जाएगा देखिए, क्या क्या डाल रही है मेरी बेटी, क्या क्या जाएगा। तो थोड़ा सा सारे इसमें ऑयल जाएगा और थोड़ा सा नमक भी जाएगा। और क्या क्या मसाले आप ऐड कीजिएगा, जरा मसाला दिखा दीजिए। मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी है दोस्तों, ये वाला मैक्रोनी है। और यहाँ पे क्या क्या वेजीज डालेंगे ये देखिए बता रही है मेरी बेटी। अनियन है, टमाटो, कैप्सिकम, गार्लिक, हरी मिर्च है, ग्रीन चिल्ली। और यहाँ पर पास्ता मसाला है जो कि जाएगा इसमें, वो तो जाता ही है। और क्या जाएगा, और सोया सॉस पास्ता। ठीक है, तो वो आप निकाल के दिखाइए। तो पानी गर्म हो चुका है, तो चलिए पास्ता हल्का सा बॉयल भी आ चुका है पास्ता इसमें। तो इसको मैक्रोनी को उबाल लेना है पानी में। तो बस यहाँ पे मेरा पास्ता रेडी हो गया है, तो मैं इसे ड्रेन कर देती हूँ। उसके आगे की रेसिपी पे मेरी बेटी दिखाएगी आपको। तो यहाँ पे मैंने बास्केट रख दिया है और इस तरह से मैं ड्रेन कर दूँगी सारे पास्ते को। और फिर इसको आप ठंडे पानी में भी धो लें, इससे क्या होगा ना कि एक दूसरे में चिपकेगा नहीं आपका पास्ता। तो यहाँ पे पहले ऑयल जाएगा, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, आप चाहे तो रिफाइन ऑयल भी ले सकते हैं। गार्लिक और हरी मिर्च पहले चली गई है। प्याज, और इसको हल्का सा फ्राई होगा, इसको हल्का सा सॉटे करना है, हल्का सिर्फ गोल्डन ब्राउन, ज़्यादा डार्क नहीं। देखिए फिर भी चल रही है धूप, और यहाँ पे सारी सब्जियां भी यहाँ पे जाएंगे। कलरफुल लग रहा है दोस्तों, अच्छा लग रहा है देखने में। अब मसाले इसमें क्या क्या जाएंगे आप जरा बता दें। तो ये देखिए दोस्तों, ये मसाले हैं इनके, तो
क्या क्या है ये बता दीजिए जरा। तो यहाँ पे है रेड चिली, पास्ता मसाला, नमक है, और ये इनका सीक्रेट मसाला है जो कि हमको भी नहीं पता है, और ये है चिली सॉस, और यहाँ पे है टमाटो केचप। तो चलिए अब सब्जियों की तरफ आते हैं, और हल्का सॉटे हो चुका है हमारी सब्जियाँ, तो मसाले भी ऐड होंगे। तो अब यहाँ पे जाएगा चिली सॉस, यहाँ पे टमाटो केचप अब जाएगा, दो तीन पैकेट टमाटो केचप का जाएगा, गैस स्लो फ्लेम पर है। पास्ता का मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा सा सोया सॉस भी जाएगा, ऐसे ही वॉइस ओवर करना ही पड़ेगा। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, अब यहाँ पे जाएगा पास्ता, और अब देखिए मैं चला रही हूँ। तो देखिए कितना टेस्टी सा पास्ता रेडी है, एकदम बिल्कुल स्पाइसी सा पास्ता एकदम रेडी है हम लोग का, और बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में दोस्तों। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी को। हल्का सा नमक डाला जा रहा है, थोड़ा नमक कम है तो उसमें नमक डाला जा रहा है, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप नमक डालें। तो देखिए कितना टेस्टी सा मैक्रोनी पास्ता रेडी है। तो चलिए अब सर्व करते प्लेट में और देखते कैसा बना है। अगर मेरी बेटी की ये रेसिपी आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।